हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज की जो हमारी जर्नी है वो जा रही है श्यालबाड़ी बिचखाली। एक्चुअली विंटर स्टार्ट हो गए हैं और मैंने वहाँ पर ऑर्डर किया है दाल का, पहाड़ी दाल जो होती है, घोहेत राजमा और भट्ट की दाल का। मैंने वहाँ पर फ़ोन करके ऑर्डर किया है, वहाँ पर कुछ मेरे मित्र हैं तो उन्होंने वहाँ पर दाल रखवाई है। मैंने दाल बल्कि में ली है, यानी कि 25-30 किलो घोहेत होगी, 15-20 किलो राजमा और ऐसे ही भट्ट होगी। तो आप लोगों को भट्ट राजमा घोहेत चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरी शॉप पर अवेलेबल रहेगी। तो आज हमारी जर्नी है श्यालबाड़ी की तरफ को, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, तो मैं आपको वहाँ से पूरा रूबरू कराऊंगा, कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये चीज़ आप सबको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और हमारे साथ है हमारे मित्र कृष्णा सर। आज संडे था तो मैं भी अकेले बोर हो रहा था जाने के लिए, तो मैंने बोला कृष्णा सर से चलें साथ में, तो सर को भी ले आया हमारे साथ। तो बने रहिए, मिलते हैं ब्लॉग में बहुत जल्द। लोग भी तो आ रहे हैं इसमें। बंद कर दो गैस। पता नहीं क्यों आज इतना जाम है कैची के पास, कम से कम 1.5 घंटे से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब धीरे धीरे ट्रैफिक निकल रहा है, बट 1.5 घंटा हमें यहाँ पर खड़े खड़े हो गया था। आज पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक यहाँ। एक्चुअली आज संडे है तो कैची मंदिर में भी बहुत भीड़ थी, तो रश बहुत था। अभी हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, जाम खुल रहा है, तो आगे का ब्लॉग देखिए, बने रही हमारी वीडियो में। तो गैस हम फंसे 2 घंटे जाम पर, तो अब थोड़ा पेट पर हंगर हो गया, तो हमने एक फूड वैन मिली है तो यहाँ पर रुक के हम मोमोज और सैंडविच ट्राई कर रहे हैं। आइए ऊपर बैठते हैं आराम से। और अभी हमें फूड वैन की टॉप में छत पे, और ये किसान सर है, और ये रेडी हमारे मोमोज। गाइस ये रहा हमारा सैंडविच, तो खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी हम बहुत दूर हैं अपनी मंजिल से। गाइस ये रहा ढोकानी वाटरफॉल, अभी मैं यहाँ से कम 2 किलोमीटर ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ मैं, बट वहाँ जाके उसकी खूबसूरती इतनी मस्त है, आप वहाँ जाओगे कभी तो आप दीवाने हो जाओगे। सो हे गाइस, आज हम फिर से दोबारा अपनी कर्मभूमि में पहुँच गए हैं। ये रहे बिचखाली पॉली हाउस, जहाँ पर मैंने 10 साल अपने लाइफ के बिताए हैं। तो गाइस इस जगह पर मैं 10 साल रहा हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे। पूरा जंगल के बीच में देखिए, जंगल देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे हर तरफ से। और आज मुझे फिर से सौभाग्य मिला है वहाँ पर जाने का, तो मैं जा रहा हूँ। और सामने देखिए हिमालय की रेंज, देखिए यहाँ से हिमालय पूरा क्लियर दिखता है। अभी थोड़ा सा बादल वगैरह हैं तो धुंध है, तो है
और गाइस फाइनली हम पहुंच गए गांव के प्रधान जी हमारे स्वागत के लिए आ गए यहाँ पे। और ठीक है, और प्रधान जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ये हमारा मेरा रूम था पहले, जहाँ पे मैंने 10 साल काटे हैं। ये बेड, सामने टीवी, यहाँ पे लेट के मैं टीवी देखता था। और ये मेरी अलमीरा, ये एक और बेड था। तो यहीं पर मैंने 10 साल इस कमरे में काटे हैं, रात गुजारी है यहाँ पे। और मैं दिखाता हूँ आपको किचन। और ये था हमारा किचन, यहाँ पर खड़ों के हम रोटी बेलते, खिचड़ी खाते थे। ये हमारे किसंदा है, हमारे बहुत पहले के साथी हैं, जब मैं यहाँ पे 10 साल में रहा पूरा हमारे साथ ही रहे। किसंदा ये फूल इतना खिल क्यों गया यहाँ पे? रेट नहीं मिलने, रेट नहीं मिले इस टाइम में। अच्छा, ये फूल है कौन सा? गुलदावरी। अच्छा, गुलदावरी है। तो क्या रेट, मतलब क्यों कम है इस टाइम में, आप क्या लगता है? अब सीजन ही नहीं है, उठाव नहीं है, कोरोना का चक्कर मरा पड़ा है। तो कोरोना खत्म हो गया ना, फूल अब जाहिर है, क्या करें, मार्केट में डिमांड नहीं होगी। या तो भाई देखिए फूल कितने सुंदर फूल है यहाँ पे। गोदावरी का है, व्हाइट कलर का गोदावरी। कितने कलर की गोदावरी है यहाँ पे? अच्छा, 7 कलर सारी गोदावरी। कुछ डीजी में, डीजी में भी है। चलो मैं आपको सब दिखाता हूँ। यह है कोल्ड स्टोर यहाँ पे, और देखिए फूल यहाँ पे पूरा पैक होके रेडी है। ये फूल जाएगा कल, कुछ डिमांड आ रही है बोल रहे हैं, जो अभी 4-5 पेटी बनाएंगे। लेकिन बहुत सुंदर फूल, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अलग अलग कलर में गोदावरी। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे हैं, बट डिमांड मार्केट में डिमांड नहीं है, तो फूल जा नहीं पा रहा है। सही कह रहे हो, ज़्यादा खिल गया वो कहाँ हो जाएगा। गाइस ये देखिए फूल कितना खिल चुका है, बट ये अभी फूल जाने के अब बिकने लायक नहीं रहा, क्योंकि ओवर खिल गया है ना, है कि ना, ज़्यादा खिल गया ना। ना बराबर नीचे साइड का जाएगा, कुछ फूल इसमें कटेगा जो कम खिला है, बट बहुत लॉस में यहाँ पे कंपनी अभी चल रही है, पूरे घाटे में चली है, पूरे घाटे में चल रही है, बता रहे हैं यहाँ पे हमारे मित्र। ये जाम करिए, एमएस है का नीचे वाले पोलियो। तो गए हमने दाल हाल सब रख दी है गाड़ी में, डिग्गी में, और हम जा रहे घर की तरफ वापस। अब ये थी हमारी यादें पुरानी, तो हमने आज दोबारा से फिर जी ली। सो गाइस अभी हम बिछाली से वापस घर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते से हमें देखा हिमालय का व्यू। तो देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है, अभी देखो सूरज की लाली, सूरज यहाँ पे देखो किस प्रकार से लाल कलर का हिमालय दिख रहा है। तो मेरे साथ सारे सारा कुछ बोलना चाहोगे? नाइस व्यू ओके। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं गाइस, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। तो गाइस हम निकले थे घर से 10 बजे, और अभी टाइम हो गया 4 बज गया। हमने सब सामान लेके वापस घर की तरफ आ रहे हैं, तो लगी थी भूख, तो हम अभी छड़ा में, और हम खा रहे हैं यहाँ पे मटन और रोटी, तंदूरी रोटी। और मटन का टेस्ट गाइस नेक्स्ट लेवल का है, मत पूछिए, बहुत बढ़िया टेस्ट।